दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रिज्मा 3D हिंदी में। और मैं आपको आज बताने वाला हूँ कुछ एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन होता क्या है, तो मैंने एक PDF बनाया है और इसको मैं आपको अभी शो करता हूँ। यहाँ पे जो जो लिखा है उसी के बारे में बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा जो भाई लोग एप्लीकेशन बनाना सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं देखिए हाइड कर देता हूँ, अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन, अबाउट एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया इंट्रो। भैया दोस्तों, आप सभी का प्रिज्मा 3D हिंदी में स्वागत है। तो आप सुनते जाइएगा, जो जो मैंने इसमें लिखा वही बोल रहा हूँ मैं। स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एप्लीकेशन होता क्या है। तो साफ तौर पर यह जानना ज़रूरी है कि हम एंड्रॉयड मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, और इस एंड्रॉयड मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन रन करते हैं उसे ऐप कहते हैं, शॉर्टकट में ऐप कहते हैं, और हिंदी में उसे अनुप्रयोग कहते हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं अपने लाइफ पे, अपने कामों में। तो यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी एप्लीकेशन का यूज करता है तथा जिससे उसके कार्यों में सरलता आती है, उसे ही एप्लीकेशन या अनुप्रयोग कहते हैं। साफ शब्दों में अगर कहें तो एप्लीकेशन वह इकाई है जिसके द्वारा उपयोगकर्ता के कार्यों में सुगमता होती है तथा उसके समय की बचत होती है। और थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो आशा करता हूँ एप्लीकेशन क्या है यह आपके समझ में आ गया होगा। तो आइए हम आगे जानते हैं एप्लीकेशन कितने प्रकार का होता है और इसका वर्गीकरण क्या है, जिसको मैं अपने आधार पर बांट रहा हूँ ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो। यहाँ एप्लीकेशन के निम्नलिखित प्रकार बांटे जा रहे हैं जो मैं अपने अनुसार बांट रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पे रखा गया है निजी एप्लीकेशन, पर्सनल एप्लीकेशन होता है। आपको इसके बारे में शायद कम पता हो, पर्सनल एप्लीकेशन के बारे में। और दूसरा पब्लिक एप्लीकेशन यानी सार्वजनिक एप्लीकेशन, जो सभी लोग यूज करते हैं, जैसे प्ले स्टोर पर जितने भी एप्लीकेशन हैं सार्वजनिक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, कहीं भी जिसका भी कोई भी बंदा यूज करता है। लेकिन अगर आप एक डेवलपर बनने जा रहे हैं तो आपको निजी एप्लीकेशन के बारे में जानना भी ज़रूरी है। तो अगले आने वाले वीडियो में आपको मैं इस एप्लीकेशन के बारे में, मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले निजी एप्लीकेशन का सीरीज चलाया जाए, उसके बाद सार्वजनिक एप्लीकेशन तो चलता है, क्योंकि जो भी बंदा एप्लीकेशन बनाता है सबसे पहले वो लोगों के लिए ही बनाता है, दूसरे लोगों के लिए सार्वजनिक बनाता है। लेकिन निजी क्या है, आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इसको मैं भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप निजी एप्लीकेशन के बारे में क्या लिखा है। निजी एप्लीकेशन जिसका इस्तेमाल डेवलपर अपने निजी कार्यों के लिए करता है, जैसे ही उसकी खुद की असिस्टेंट, मतलब जैसे उसकी खुद की असिस्टेंट जैसे गूगल असिस्टेंट हो गई, ये तो सार्वजनिक है सबके लिए है, लेकिन उसकी जो पर्सनल असिस्टेंट होगी मोबाइल में वो गूगल से भी बेहतर होती है, आपको ये पता ही नहीं होगा। और उसका खुद का नोटपैड होता है, अपने आप बैकग्राउंड में काम करने वाले एप्लीकेशन होता है, बहुत से ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो अपने आप ही काम कर देते हैं डेवलपर का। ठीक है, उसे कुछ भी जिससे किसी को मैसेज सेंड करना है, कोई भी सॉन्ग प्ले करना है, कोई भी किसी मतलब कॉल उठाना है, कुछ भी करना है, सब अपने आप हो जाता है। ऐसे एप्लीकेशन निजी एप्लीकेशन डेवलपर खुद के लिए बनाता है। यहाँ पे देखिए, जिसका इस्तेमाल खुद के लिए करता है और एक बेहतर तरीके से उसका निर्माण भी करता है। ठीक है, तो ऐसे एप्लीकेशन बहुत ही तार्किक होते हैं, कुशलतापूर्ण होते हैं और बहुत ही शक्तिशाली भी होते हैं। यह डेवलपर के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने एप्लीकेशन को कैसे बनाता है। अब नीचे हम बात करते हैं, यहाँ पे हो गया। तो दूसरा है सार्वजनिक एप्लीकेशन। यह एप्लीकेशन डेवलपर द्वारा सभी लोगों के लिए बनाया जाता है। इन एप्लीकेशन का यूज सार्वजनिक तौर पर किया जाता है। इन एप्लीकेशन को इंटरफेस, मतलब इस एप्लीकेशन का इंटरफेस बहुत ही सरल होता है या बहुत ही बेहतर तरीके से दिखाया जाता है, या सरल भी हो सकता है, बहुत ही अच्छा भी हो सकता है, मतलब लो मीडियम ऐसे हाई। इन एप्लीकेशनों को जनता के लिए कार्यों के हिसाब से बनाया जाता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति को जिस तरीके से एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी उस हिसाब से एप्लीकेशन बनाया जाता है, जो उन्हें पसंद आए, यानी कि जनता के पसंद के हिसाब से इन एप्लीकेशनों को निर्माण किया जाता है। ठीक है, और एक बात बताना है आपको, निजी एप्लीकेशन जो होता है, आपने आयरन मैन मूवी देखी होगी तो उसमें एक जार्विस नाम का ही असिस्टेंट होता है, तो उसमें मतलब वो खुद के लिए असिस्टेंट क्रिएट करता है और
अपने निजी कार्यों में उसका यूज करता है। तो आप अगर मूवी नहीं देखें तो देख लेना भाई, कितना भी गजब का वो असिस्टेंट होता है जो टोनी स्टार के सभी कामों को पूरा कर देता है। तो ये एप्लीकेशन आप बनाना सीख रहे हैं तो थोड़ा इंटरेस्ट रखिए इसमें, निजी एप्लीकेशन में समझ लीजिए। और उसके बाद देखें यहाँ पे सार्वजनिक एप्लीकेशन के बारे में भी आपको पता चल गया। अब बात करते हैं आपके एप्लीकेशन डेवलपर बनने की। तो अगर आप एक एप्लीकेशन डेवलपर बनना चाहते हैं और अपने लिए निजी एप्लीकेशन निर्माण करना चाहते हैं और साथ ही साथ सार्वजनिक एप्लीकेशन का निर्माण करना चाहते हैं और वह भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन से और बिल्कुल मुफ्त में सीखना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातें और जाननी होंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि आप अपने मोबाइल से एप्लीकेशन बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। 98%, यहाँ पे नोट कीजिएगा, 98% तक बिना कोडिंग के बना सकते हैं। इसके अलावा 2% तक आपको कोडिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। यूट्यूब पर पहले से बहुत सारे ट्यूटोरियल अवेलेबल है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैंने एप्लीकेशन बनाने के लिए किन किन चैनलों की सब्सक्रिप्शन ले रखा था और मैं आपको सब चैनल के बारे में बता दिया है। इसके अलावा मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि आप जिस एप्लीकेशन से ऐप बनाना सीखेंगे उसका नाम स्केचवेयर है, ठीक है। स्केचवेयर, तो ये थोड़ा गलती हो गया है, स्केचवेयर एप्लीकेशन आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डाउनलोड इसका लिंक, लेटेस्ट वर्जन है। उसके बाद क्योंकि ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर से हटा दिया गया है, फिर भी आप अगर आप इससे एप्लीकेशन बनाना सीखना चाहते हैं तो इसका मोड वर्जन अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि आप इस एप्लीकेशन की मदद से कौन कौन से एप्लीकेशन बना सकते हैं। यहाँ पे ये बात ध्यान दीजिएगा कि स्केचवेयर एप्लीकेशन की मदद से आप कौन से एप्लीकेशन बना सकते हैं अपने मोबाइल से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आम ज़रूरतों के हिसाब से वर्गीकरण कर रहा हूँ, लेकिन यह बहुत ही खास है क्योंकि इन वर्गीकृत एप्लीकेशनों को बनाना सबकी इच्छा होती है, यानी हर कोई बंदा भी चाहता है बेसिक तौर पे कि इन एप्लीकेशनों को बनाया ही जाए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैं बुक एप्लीकेशन, हर बंदा चाहता है कि मेरी खुद की बुक हो, ऐप हो बुक एप्लीकेशन की। उसके अलावा चैट एप्लीकेशन हो, ठीक है, तो इन सब के बारे में भी बाद में बात करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें भी आप निजी एप्लीकेशन जोड़ सकते हैं, चैट भी निजी एप्लीकेशन जोड़ सकते हैं। यहाँ पे तीसरे नंबर पे डाटा स्टोरेज एप्लीकेशन है, उसके बाद शॉपिंग एप्लीकेशन है, मूवी ऐप है, अर्निंग ऐप है। ये मतलब बेसिक तौर पे 6 तरीके के एप्लीकेशन हर बंदा चाहता है कि मैं बनाऊं, ठीक है। और इन 6 प्रकार के एप्लीकेशन में भी निजी और सार्वजनिक एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। थोड़ी हिंदी में से बोल के लिखा था, गड़बड़ हो गई है। आप स्केचवेयर की मदद से 6 तरीके के एप्लीकेशन आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ आपके ऊपर है कि आप अपने लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं या सार्वजनिक तौर पर एप्लीकेशन बना रहे हैं। इसके अलावा आप स्केचवेयर की मदद से अपने किसी भी एप्लीकेशन में प्रीमियम फीचर ऐड कर सकते हैं। प्रीमियम फीचर के बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे, तो मैं थोड़ा सा इसमें रोक के ये बता देता हूँ। प्रीमियम फीचर मैंने आपको, देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, जो हमारे ये Prisma 3D यूज़र है, ये वाला एप्लीकेशन, इसमें क्या था कि थोड़ा डाटा ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे जब मैं प्रो पे क्लिक करता हूँ तो आपको प्रीमियम ख़रीदना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, लाइसेंस की बाय करना पड़ता था, तभी आप दूसरे पेज में जा पाएंगे। तो ये जो सिस्टम मैंने खुद से नहीं क्रिएट किया था, मेरे को नहीं पता, मैंने बनवाया था, मतलब इस एप्लीकेशन को मैंने ही क्रिएट किया, लेकिन ये वाला जो फीचर है ऐड करवाया था मैंने दूसरे से, क्योंकि इसके बारे में मुझे भी पता नहीं है, तो उनसे मैंने बात किया। तो यहाँ पे अगर आप लाइसेंस की डालेंगे, यहाँ पे कोई भी की इनपुट करेंगे, तो अगर कोड सही रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर ये कुछ नहीं बताएगा, सही कोड डालने पे ही खुलेगा, ठीक है। तो ऐसा आप स्केचवेयर में ऐड कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि मुझे नहीं पता है इसके बारे में, पहले बता दे रहा हूँ, तो बाद में मुझे मत कहना, लेकिन मुझे जैसे ही पता चलेगा मैं वीडियो अपलोड करूँगा इसके बारे में और इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊँगा। यहाँ पे देखिए, जैसे बाय बाय पे क्लिक करता हूँ, बाय की पे, यानी लाइसेंस की ख़रीदना है मुझे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पैसा को डिज़ाइन किया गया है। यहाँ आपको पता ही होगा इसके बारे में, पहले से भी वीडियो बना चुका था। और यहाँ पे मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ तो मुझे पे करना पड़ेगा, पैसे देना पड़ेगा, तभी मुझे कोड मिलेगा मेरी Gmail ID पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप स्केचवेयर से भविष्य में कर पाएँ ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। और अगर आप
ये सिस्टम ऐड करना चाहते हैं अपने अपने एप्लीकेशन में, तो मैं एक नंबर दूंगा यहाँ पे, जिससे मैंने मतलब जिनसे मैंने इस एप्लीकेशन प्रिज्मा 3D Pro यूजर वाले में ऐड करवाया है, सब्सक्रिप्शन का सिस्टम ऐड करवाया है, आप अपने किसी भी एप्लीकेशन में ऐड करवा सकते हैं उनसे बात करके। तो आपको पे करना पड़ सकता है थोड़ा सा, तो आप टेंशन मत लेना, ये सब फीचर ऐड करवा दें। और एक बात बताना चाहता हूँ, ये बिल्कुल ही सिक्योर है, कोई भी बंदा हैक वैक नहीं कर सकता इसको, ठीक है? तो ऐसा आप ऐड करवा सकते हैं, लेकिन भविष्य में अगर आपको मैं बताऊंगा अपडेट आएगा इसके बारे में, तो क्योंकि मुझे इसके बारे में नहीं पता है भाई, मैं साफ साफ बोल दे रहा हूँ, ठीक है? तो बात चलते हैं PDF की तरफ। यहाँ पे तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं प्रीमियम के बारे में, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, वहाँ से आप व्हाट्सअप करके आप ऐड करवा सकते हैं, ठीक है? तो पहले तो आप बनाना सीखिए, ऐड बाद में करवाएंगे। जिस कैटेगरी की आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं उसके बारे में पहले कुछ सीखिए, उसके बाद फीचर सब्सक्रिप्शन फीचर ऐड करवाना। तो इन सभी वर्गीकृत एप्लीकेशन में आप ऑनलाइन ऑफलाइन एडमिन यूजर जैसे कई फीचर ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बस। तो ये था PDF, इसके माध्यम से मैंने आपको बहुत सी बातें समझा दिया हूँ, और ना समझ में आएगा तो इस PDF को आप पढ़ लेना, मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको जो जो कैटेगरी है उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ, और ये तीनों एप्लीकेशन तो मैंने स्केच वेयर से बनाया था, मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ गया, एक बात और है, मैं जो जो भी ट्यूटोरियल बनाऊंगा स्केच वेयर के ऊपर सब माउस से बनाऊंगा, ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्केच वेयर प्रो, ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है स्केच वेयर प्रो, ये लेटेस्ट वर्जन है, इसको मैं लिंक दे देता हूँ इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर लेना। आपको ये वाला लिंक मिलेगा, एक मोबाइल नंबर मिलेगा, और देखिए मैं यहाँ पे एक ग्रुप भी बनाया हूँ, तो यहाँ पे JKM Shop नाम का एक ग्रुप है, ये इनका नंबर है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, गुलशन कुमार इनका नाम है, और हम इनसे बात भी किए थे, तो आप भी बात कर सकते हैं। इनका मैं नंबर दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये काम नहीं कर रहा है, चलिए ठीक है, मैं इनका नंबर दे दूँगा, तो आप बात कर लेना। और एक ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको, वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। तो बस इतना ही, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जो भी लास्ट तक वीडियो देख रहा है, जो भी आपकी समस्या है सब मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, वहाँ से आप समाधान पा सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर रोक दे रहा हूँ, यहाँ से क्लोज।